Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we have lecture number 20, network layer delivery, forwarding and routing. In the last lecture we discussed subnetting, routing, IP addressing and different techniques of classless and classful routing. So in this class, inshallah, we will discuss network layer issues, delivery issues, forwarding issues and routing issues. So jo hamara last chapter tha, humne usme in detail IP addressing ko dekha tha, phir humne subnetting discuss ki. Subnetting ke baad jo different type ki classes hain, class A, class B, class C, usko discuss kiya. Phir IP version 4 aur IP version 6 ka comparison kiya. IP version 4 aur 6 mein kya kya aapke differences hain, IP version 4 ka use kiya jata hai, IP version 6 ka use kiya jata hai. जो different classes थी उनको हमने in detail देखा, class A को, class B को, class C को, D को, E को, उनके mathematical proofs देखे, class A की ranges किस तरह आती find की जाती है, class B की range किस तरह find की जाती है, class C की range किस तरह find की जाती है, फिर हमने उन ranges को find करने के बाद जो हमने फिर हमने ये देखा कि अगर आपको सबनेटिंग चाहिए तो आप सबनेटिंग किस तरह परफॉर्म करते हैं, ठीक है. अब प्राइवेट और पब्लिक एड्रेसेस में क्या डिफरेंस होता है, आपकी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन किस तरह होती है, आपका नेट क्या काम कर रहा होता है, ये जितनी भी चीज़ें थी ये हमने अपने लास्ट 2-3 लेक्चर्स में कवर की थी, जो हमारा TCP/IP का चैप्टर था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का और लॉजिकल एड्रेसिंग का. अब हम जो आज का हमारा चैप्टर है, इन दिस चैप्टर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस जो आपके पास नेटवर्क लेयर डिलीवरी के इश्यूज हैं, पैकेट किस तरह फॉरवर्ड होते हैं, आपकी आपकी राउटिंग क्या है, राउटिंग की टाइप्स क्या हैं. ये बेरोस फ्रेजन की बुक जो जो आपका चैप्टर है 22, ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में आपका वो चैप्टर गिवन है, लेकिन हमने इस लेक्चर में कुछ इंडस्ट्री की चीज़ें भी मैंने इसमें शामिल की है, ठीक है, जो आपकी प्रैक्टिकल राउटिंग की टूवर्ड्स है, कि जो आपकी प्रैक्टिकल राउटिंग है वो किस तरह की जाती है, राउटिंग परफॉर्म किस तरह की जाती है. इस क्लास के बाद हम एक कंप्लीट लैब भी करेंगे राउटिंग की, कि जो आपकी राउटिंग है उसकी लैब भी हम करेंगे, कि आपकी राउटिंग जो है वो किस तरीके से जो परफॉर्म की जा सकती है, आपके राउटिंग के अंदर क्या क्या आपके इश्यूज़ आते हैं. तो इस लेक्चर के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो कंप्लीट लैब बेस होगा, जिसमें हम अपनी कंप्लीट राउटिंग की टेक्निक्स को देखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि राउटिंग को इम्प्लीमेंट किस तरह किया जा सकता है, ठीक है. हमें पूरा एक हम कंप्लीट एक रियल नेटवर्क उसमें डिज़ाइन करेंगे, उस नेटवर्क को डिज़ाइन करके फिर हम उसको कम्प्लीट करेंगे. तो इंशाल्लाह तदा भी हम इसको स्टार्ट करते हैं कि आपकी राउटिंग क्या है और राउटिंग की डेफिनेशन क्या है, वाई वी नीड राउटिंग, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो भी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट स्लाइड इज दैट व्हाट इज राउटिंग. राउटिंग इज अ पाथ सिलेक्शन, ठीक है. पाथ सिलेक्शन क्या क्या होता है, या पाथ सिलेक्शन क्यों यूज की जाती है. जो आपकी राउटिंग होती है ये आपके पास एक इट्स अ सोर्स, इट्स अ डेस्टिनेशन. सोर्स से जब आप डेस्टिनेशन तक जाते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि इस डायग्राम में ये आपके पास सोर्स है और ये आपके पास डेस्टिनेशन है. डेस्टिनेशन तक जाने के लिए आप देख रहे हैं कि ये एक पाथ है, हम इस पाथ को यूज करते हुए यहाँ तक जा रहे हैं. दूसरा जो पाथ देख रहे हैं यहाँ पे पहुँचने के लिए, ये दूसरा पाथ है. ये अगर हम करें तो ये हमारे पास तीसरा पाथ है. तो वी हैव डिफरेंट पाथ, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको ये कहूँ कि यहाँ से आपने पिंडी जाना, सदर जाना है, तो अगर क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन हर एक की डिफरेंट अप्रोच होगी. माइट भी कोई अपना मोटर बाइक लाया हो, वो अपने बाइक पे चला गया हो, कोई गाड़ी पे चला गया हो, कोई टैक्सी पे चला गया हो, कोई यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट पर चला गया हो, किसी कोई किसी चीज़ पर चला गया हो. तो यहाँ पर जो चीज़ है वो हम फाइंड जो हम करना क्या करना चाहते हैं या क्या चीज़ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, दैट इज़ पाथ सिलेक्शन. फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने मोटर बाइक पे घर से निकलता हूँ, मैंने एक जगह पहुँचना है, तो मैं क्या क्या चीज़ें देखूँगा. मैं देखूँगा वहाँ की रोड की कंडीशन कैसी है, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स कितने आ रहे हैं, ठीक है, उस रास्ते के अंदर, ठीक है, उसके अलावा वहाँ स्पीड लिमिट क्या है,
ठीक है, कंजेशन कितनी है, वहाँ ज़्यादा रश तो नहीं होता, ये सारी चीज़ें देख के मैं अपना पाथ सेलेक्ट करूँगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो हर चीज़ में आपकी सिलेक्शन होती है। तो राउटिंग जब हम इंटरनेट के ऊपर बात करते हैं, जब हम लिखते हैं www.google.com लिखते हैं, तो बहुत सी साइट्स को एक्सप्लोर करके जब पहुँचता है, तो जो बेसिकली जो आपकी राउटिंग है वो आपकी पाथ सिलेक्शन है। अब जो पाथ सिलेक्शन है वो जो है वो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, हम किन किन पैरामीटर्स के ऊपर अपनी पाथ सिलेक्शन कर रहे होते हैं, बैंडविड्थ है, डिले है, लोड है, लिंक कितना रिलायबल है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या है, ठीक है, ये इन तमाम पैरामीटर्स के ऊपर हम अपनी राउटिंग को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो आप अपनी राउटिंग को परफॉर्म कर रहे होते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर, ठीक है, अब जो आपका राउटर है वो एक डिवाइस है, और वो आपकी लेयर 3 डिवाइस है, वो आपकी नेटवर्क लेयर के ऊपर काम कर रहा होता है। जो आपका राउटर है वो आपका जो आपकी डिवाइस है वो आपकी लेयर 3 डिवाइस है जो आपकी नेटवर्क लेयर के ऊपर काम कर रहा होता है। अब जो आपका राउटर है जो आपका नेटवर्क लेयर के ऊपर काम कर रहा है, नेटवर्क लेयर के ऊपर अपनी राउटिंग परफॉर्म कर रहा है, अब हमने देखना ये है कि अब राउटर का कोई ऐसा खुद से कुछ, देखें मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ से 10 स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरी लोकेशन में जाते हैं, तो हर एक का अपना क्राइटेरिया है पाथ सिलेक्शन का। कोई देखेगा कि यार कि मेरा फ्यूल कम लगे, कोई ये देखेगा नहीं फ्यूल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर रोड बेहतर होनी चाहिए, मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। तो अब राउटर के ऊपर जो राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं वो बेसिकली डिसाइड करते हैं पाथ सिलेक्शन, कि उन्होंने किस पाथ के ऊपर अपना नेटवर्क, अपने नेटवर्क का जो डाटा है वो ट्रांसमिट करना है, वो सेंड करना है, उनके लिए कौन सा जो पाथ है वो बेस्ट है, वो जो आपके पास जो आपका राउटिंग प्रोटोकॉल होता है वो देख रहा होता है। तो अब आप इस डायग्राम में देखें, पहले तो आपको कि जो राउटिंग है वो बेस्ट पाथ सिलेक्शन है सोर्स से डेस्टिनेशन तक, यानी सोर्स से आपने अगर डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो जो आपकी बेस्ट पाथ सिलेक्शन है दैट इज नोन एज राउटिंग। अब वो जो राउटिंग है ये आपके पास एक नेटवर्क है, ये आपके पास दूसरा नेटवर्क है, यहां से जब आप यहां तक पहुंचते हैं तो ये आपका फर्स्ट पाथ है, ये आपका सेकंड पाथ है, ये आपका थर्ड पाथ है, यानी यू हैव मल्टीपल पाथ्स बट यू विल चूज ऑन सम क्राइटेरिया। अब वो क्राइटेरिया कौन है, वो आपका राउटिंग प्रोटोकॉल है, वो क्राइटेरिया बताएगा जी कि जो उसका जो मेट्रिक है इन पैरामीटर्स के ऊपर आप पाथ अपने डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। वो जो राउटिंग का क्राइटेरिया है जो आपकी पाथ सिलेक्शन है वो हम देखते हैं कि टू रूट अ राउटर नीड्स टू डू द फॉलोइंग, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, आप क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, नो द डेस्टिनेशन एड्रेस। एक तो आपको देखें मैंने जब कहाँ पहुँचना है, जब तक मुझे ये डेस्टिनेशन एड्रेस पता ही नहीं है तो मैं वहाँ पहुँच नहीं सकता। तो एक तो आपको डेस्टिनेशन एड्रेस चाहिए कि जहाँ पर आपने पहुँचना है वो डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, फिर आपको आइडेंटिफाई द सोर्सेज इट कैन लर्न फ्रॉम, आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वो कौन सी सोर्सेज हैं। अब मैंने यहाँ पहुँचना है तो मुझे पता है मैं वाया दिस राउटर आऊँगा या वाया दिस राउटर जाऊँगा या वाया दिस लिंक जाऊँगा। तो आई हैव मल्टीपल पाथ्स, तो मुझे वहाँ सेंडिंग और रिसीविंग के लिए पहुँचने के लिए, ठीक है, मुझे ये चीज़ देखनी है कि मैं किस पाथ को चूज करता हूँ डाटा सेंड और रिसीव करने के लिए। तो एक तो मुझे पता होगा कि भाई ये मेरी सोर्स है, ये मेरी डेस्टिनेशन है, यहाँ से मैंने लाहौर से कराची जाना है तो लाहौर आपकी सोर्स है, कराची आपकी डेस्टिनेशन है। अब ये नहीं है कि आप लाहौर से पेशावर पहुँच जाएं, ठीक है, आपने डेस्टिनेशन पे जाना है, जो आपने अपना पैकेट रिसीव करवाना है वो आपने डेस्टिनेशन पे रिसीव करवाना है। सेकेंड चीज़ क्या है कि आपने आइडेंटिफाई द सोर्स इट कैन, कि आपने किस सोर्स से जाना है, किस पाथ आप डाइवर पे जाना चाहते हैं, बाय एयर जाना चाहते हैं, ट्रेन पे जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं आप। डिस्कवर पॉसिबल रूट्स, जितने भी आपके पास पॉसिबल रूट्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आपने वहां पहुंचना है, आप वो सारे के सारे पॉसिबल रूट्स को कवर करेंगे। जो आपके जितने भी पॉसिबल रूट्स हैं आप उन तमाम रूट्स को देखते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे कि ये मेरी सोर्स है, ये मेरी डेस्टिनेशन है, मैंने ये पाथ चूज किया है और यहाँ तक। तो जितने भी पॉसिबल रूट्स हैं
जब आपको पता होगा कि मेरे पास मैंने यहाँ से कराची जाने में बाय एयर जा सकता हूँ, बाय रोड जा सकता हूँ, बाय ट्रेन जा सकता हूँ, तो ये मुझे पता है कि मेरे पास, फिर मैं उसमें देखूंगा कि मेरा बजट क्या है, ठीक है, मुझे टाइम कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है, सर्विसेज किसकी बेहतर है, मैं फिर इन पैरामीटर्स के ऊपर जो सिलेक्शन करूंगा, ठीक है जी, कि मैं इस पैरामीटर को, इस चीज को यूज करके मैं वहां तक पहुंचूंगा। और फिर जब मैं तमाम, जब मुझे तमाम पॉसिबल रूट्स पता होंगे कि मैं यहाँ यहाँ से इन इन रूट्स को यूज करके वहां पे पहुंच सकता हूँ, तो उन तमाम पॉसिबल रूट्स के ऊपर मैं अपना जो बेस्ट रूट है उसको सिलेक्ट करूंगा, यानी ये मेरे पास पॉसिबल रूट्स से, और इन तमाम पॉसिबल रूट्स में से जो मुझे बेस्ट रूट लगेगा मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, और उसको सेलेक्ट करके, चूज करके मैं डाटा सेंडर रिसीव करूंगा। लास्ट में मेंटेन एंड वेरीफाई राउटिंग इंफॉर्मेशन, जो मेरा राउटिंग इंफॉर्मेशन का टेबल है मैं उसको मेंटेन करूंगा अपनी कम्युनिकेशन के लिए, सेंडिंग और आप कह सकते हैं रिसीविंग के लिए। तो ये बात आपको समझ आ गई कि राउटिंग क्या है, राउटिंग में डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, पॉसिबल रूट्स क्या होते हैं, बेस्ट रूट की सिलेक्शन किस तरह की जाती है, राउटिंग इंफॉर्मेशन का टेबल क्यों मेंटेन किया जाता है। तो राउटिंग इज अ प्रोसेस फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। आप कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं अपने डेटे को सेंड और रिसीव करने के लिए। अब व्हाट इज राउटिंग, हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि ये आपके पास एक नेटवर्क है 10.120.2.0, ये इथरनेट इंटरफेस है। हमने जब हमने राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब्स की थी तो मैंने आपको बेटा उसमें बताया था कि इथरनेट, देखें जब भी आपने किसी नेटवर्क को लैन के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी, तो इथरनेट हमने पढ़ा था, फिर हमने फास्ट इथरनेट पढ़ा, फिर हमने गीगाबिट पढ़ा। तो इथरनेट आपका 10 मेगाबिट्स का होता है, जो आपका फास्ट इथरनेट है वो आपका 100 मेगाबिट्स का होता है, जो आपके पास गीगाबिट होता है वो आपके पास 1000 मेगाबिट्स का होता है। तो जो आपके पास इथरनेट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नेटवर्क आपका इथरनेट के साथ आपका लिंक है, जो आपके पास 10 मेगाबिट्स का है। कि हम जब भी राउटर टू राउटर कम्युनिकेट करवाएंगे तो हम सीरियल इंटरफेस यूज करते हैं, यानी बिटवीन राउटर्स कम्युनिकेशन के लिए जो आपका वैन इंटरफेस है वो आपके पास सीरियल का इंटरफेस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक पोर्ट है इथरनेट 0, इसके साथ जो आपने नेटवर्क यहाँ अटैच किया हुआ है दैट इज 10.120.2.0, ये आपके पास यहाँ पे एक लैन है। इस नेटवर्क के साथ आपने जब दूसरा नेटवर्क लिंक किया है 172.16.1.0, तो ये आपके पास सेकेंड नेटवर्क है। ये आपके पास आपकी सोर्स है, ये आपके पास आपकी डेस्टिनेशन है, ये जो पॉइंट है ये इसके साथ आप देख रहे हैं ये आपका वन लैन है, ये आपके पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, जिसकी नेटवर्क आईडी क्या है, उसकी आईडी 10.120.2.0 है। ये आपके उस लैन की नेटवर्क आईडी है 10.120.2.0, और ये आपके पास सेकंड लैन है, इसकी जो आपकी नेटवर्क आईडी है 172.16.1.0। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे आपके पास लैन नंबर 1 है और ये आपका सेकंड लैन है, इन दोनों की जब कम्युनिकेशन होगी तो ये आपके पास यहाँ तक पहुँचने के लिए इसके पास मल्टीपल पाथ्स हैं। एक पाथ यहाँ पे ये आ रहा है, दूसरा पाथ आपके पास ये है, ये आपके पास तीसरा पाथ है। तो आपने अपनी राउटिंग जो आपका, अभी हम इसमें डिस्कस भी करेंगे डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल, तो आपने अपने राउटिंग प्रोटोकॉल को चूज करते हुए वो पैकेट वहां सेंड कर देना, ठीक है। हाँ, जिस तरह मैंने कहा है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स ने अगर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाना है तो हर एक का डिफरेंट थॉट होगा, डिफरेंट माइंड होगा कि उसने वहां तक कैसे पहुंचना है, उसके पास डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो आपके पास इसका टेबल है, इसमें एक तो आपके पास नेटवर्क प्रोटोकॉल आता है, एक आपके पास डेस्टिनेशन नेटवर्क आता है, और एक आपके पास एग्जिट इंटरफेस आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो चीजें, एक वर्ड है कनेक्टेड, ठीक है, यानी 10.122.8.0
अगर मैं इस नेटवर्क की बात करूं तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ईथरनेट जीरो के साथ, और मैं अगर यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे आ रहा आपके पास आ रहा लर्न आ रहा लिखा हुआ, लर्निंग क्या चीज है कि 172.16.1 वो यहां से अगर आप देखें तो वो इस एंड पे है, तो वो इसने लिखा है कि लर्निंग वो दूसरे राउटर से दूसरे नेटवर्क से उसका एड्रेस पूछ के वहां तक पहुंच सकता है लेकिन डायरेक्टली वहां नहीं सेंड कर सकता। मैंने इस रूम से बाहर निकला है तो जब तक मैं डोर से बाहर नहीं निकलूंगा ठीक है तो मैं इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकता ठीक है। तो जो मेरे पास ये जो दूसरा पॉइंट आ रहा है जिसको हमने लर्न कहा है, ये आपके पास लर्निंग नेटवर्क है ठीक है, जो आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लर्न किया वो 172.16.1.0 और वो किस इंटरफेस के साथ लगा हुआ है, वो आपका सीरियल जीरो के साथ लगा हुआ है। तो जो आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड है वो आपके पास 10.120.2.0 ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका इथरनेट जीरो के साथ, और जो आपके पास ये है ये 172.16.1.0 ये आपके पास लर्निंग है। अब एग्जिट इंटरफेस इसकी क्या है, यहाँ से बाहर निकले हैं तो ये आपकी ये है इथरनेट जीरो, और यहां तक पहुंचने के लिए जो आपकी एग्जिट इंटरफेस है वो आपके पास सीरियल, क्योंकि जब आपने यहां पहुंचना है 172.16.1.0 के पास तो आप जब आप यहां से इस पैकेट को मूव करते हैं तो आप वाया सीरियल जीरो इस पैकेट को यहां से या यहां से आप ट्रांसमिट करते हैं, तो जो आपकी एग्जिट इंटरफेस बनती है वो आपके पास सीरियल जीरो बनती है। तो ये आपने यहां पे इसको कनेक्ट किया हुआ है इथरनेट जीरो के साथ, और ठीक है राउटर मस्ट लर्न डेस्टिनेशन दैट आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, ये की पॉइंट था इसके अंदर कि राउटर्स मस्ट लर्न destinations that are not directly connected, जो आप इसमें directly connect नहीं होते वहां से वो उसकी जो learning कर रहे होते हैं। अब आपके पास दो तरह की routing है, एक आपके पास static routing होती है और एक आपके पास dynamic routing होती है। जो आपकी static routing है वो आपके पास manual routing है, uses a route that a network administrator enters into the router manually, यानी आपने आप जितने भी पास हैं वो मैनुअली सेट करते हैं। इस एग्जांपल में आपको देता हूँ, एक फॉर एग्जांपल घर में आपने एक सर्वेंट रखा हुआ है, उसकी ड्यूटी आपने ये लगाई हुई है कि तुमने डेली बच्चों को स्कूल से लेके आना और छोड़ के आना है। अब वो किसी विलेज से आया है, उसको आपने एक रास्ता बता दिया, उसको कोई और रास्ता नहीं पता, कोई और पाथ ठीक है, एक दिन वो उस पाथ पर जा रहा होता है, वो पाथ ब्लॉक होता है, कोई भी रीजन होती है, तो वो चाइल्ड्स को बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ेगा, वापस घर ले आएगा, क्योंकि उसके पास एक ही रास्ता है, ये सब मैनुअल राउट ठीक है। लेकिन अगर उसके पास जाने 5-6 रास्ते हो, अच्छा ये नहीं तो मैं वहां से निकल जाऊंगा, जो वहां का लोकल आदमी है उस सिटी का, अच्छा वो ये देखेगा अगर ये रास्ता ब्लॉक है तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, अगर वो रास्ता ब्लॉक है मैं वहां से निकल जाता हूँ, तो उसके पास मल्टीपल पाथ्स हैं ठीक है वहां डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। अब जो राउटिंग आपकी जो स्टैटिक राउटिंग है इट्स द मैनुअल राउटिंग, यानी जहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ राउटर 4-5 हैं, जहाँ पे मैंने एक फिक्स पाथ डेडिकेट करना है, जहाँ पे मैंने अपना प्री डिफाइन पाथ यूज करना है, मैं कहता हूँ नहीं मैंने इस जगह से कम्युनिकेशन नहीं करवानी, मैंने इस पाथ को यूज करना है, तो वो मेरे पास एक स्टैटिक रूट आ जाता है जो मेरा फिक्स रूट है ठीक है, जो हम जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो खुद से डिफाइन करता है ठीक है, उसकी जो आपका स्टैटिक जो आपका रूट होता है उसकी कमांड होती है, हम वो कमांड भी देखेंगे, उसको लैब में करके भी देखेंगे। सेकंड जो आपके पास चीज है दैट इज डायनामिक राउटिंग। अब जो डायनामिक राउटिंग है ये आपकी यूज होती है फॉर पाथ ठीक है, अब इसमें हम क्या कहते हैं, यूजेस अ राउट दैट अ नेटवर्क राउटिंग प्रोटोकॉल एडजस्ट ऑटोमेटिकली फॉर टोपोलॉजी या ट्रैफिक चेंजेस। अब जो डायनामिक राउटिंग है वो खुद सेंस कर रहा होता है, अच्छा इस पाथ के ऊपर बहुत लोड है, डाटा को वहां से लिया दूसरे पाथ पे सेंड कर दिया, एक लिंक अगर ज्यादा रिलायबल नहीं है उसको वो जो है चूज नहीं करेगा ठीक है, कहीं बैंडविड्थ अगर कहीं ज्यादा है वो उसको प्रेफर कर लेगा। तो जो आपकी डायनामिक राउटिंग है उसके बेनिफिट्स क्या हैं कि अगर आपका एक पाथ डाउन हो जाता है, आपका एक लिंक डाउन हो जाता है, तो आप अपनी ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकते हैं दूसरे पाथ के ऊपर, दूसरे नेटवर्क के ऊपर। तो जो आपकी डायनामिक राउटिंग है वो हम प्रेफर करते हैं कंपैरेटिवली जो आपकी स्टैटिक राउटिंग है। व्हाई? उसकी रीजन ये है कि अगर आपका एक लिंक फेल होता है
तो स्टैटिक राउटिंग में जो आपका लिंक डाउन बिकॉज यू हैव ओनली वन ऑप्शन, ठीक है, अगर वो ऑप्शन आपकी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, कुछ भी होता है, तो आप अपना जो आप अपनी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. लेकिन डायनामिक राउटिंग के अंदर क्या है कि आपके पास मल्टीपल पाथ्स हैं सेंडिंग और रिसीविंग के. अगर आपका एक लिंक डाउन होता है, आप दूसरे लिंक पे डेटा सेंड कर देते हैं, दूसरा होता है आप तीसरे पे कर देते हैं, तीसरा होता है आप चौथे पे कर देते हैं, तो आपका जो नेटवर्क है वो कंटिन्यूस चल रहा होता है, वो डाउन नहीं होता. तो जो आपकी डायनामिक राउटिंग है वो इसलिए प्रेफरेबल है कि वहाँ पे आपके पास मल्टीपल पास होती हैं, आप अपने मल्टीपल पास के ऊपर डेटा को सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक है. इसलिए अगर एक लिंक डाउन है आपका दूसरे लिंक पे कम्युनिकेशन हो जाएगी, दूसरा डाउन है तीसरे पे हो जाएगी, ठीक है. तो इसलिए डायनामिक राउटिंग जो है वो प्रेफरेबल है कंपैरेटिवली स्टैटिक राउटिंग. बाज केसेस आपके ऐसे आते हैं, बाज आपकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आपको स्टैटिक राउटिंग ही यूज करनी पड़ती है, वहां पे आपको डायनामिक राउटिंग आप वहां पे यूज नहीं कर सकते. तो आपका स्टैटिक जो रूट्स है इसमें आप देख रहे हैं कि 172.16.2.2, ठीक है, यहाँ पे ये सारे का सारा ये आपका स्टब नेटवर्क है और ये आपके पास दूसरा नेटवर्क है. ये आपके पास सीरियल 0.172.16.2.2 और ये आपके पास यहाँ पे 172.16.2.1, ठीक है. जब आपने स्टैटिक रूट को ये आपके पास एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, हम इसको पॉइंट टू पॉइंट लिंक भी कहते हैं, हम इसको सीरियल लिंक भी कहते हैं. तो जो आपके पास पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है या जो आपके पास सीरियल लिंक होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जब भी आपने वैन कनेक्शन क्रिएट करना है, जब भी आपके पास टू राउटर्स हैं तो आपके पास जो लिंक बनेगा वो पॉइंट टू पॉइंट बनेगा. हम इसको भी देखते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर भी, हम अगर पैकेट ट्रेस में चले जाएं साथ ही, तो यहां से हम अपने टू डिफरेंट राउटर पिक करते हैं. और ये आपके पास केबल्स हैं. अब ये देखें, ये आपके पास डी टी ई और डी सी, ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक सीरियल टू है और ये आपके पास एक सीरियल टू है. तो आप ये देख रहे हैं कि ये आपके पास इट्स अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक. यहाँ पे अगर आप वापस चले जाएं तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो आपके टू नेटवर्क्स हैं, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है. ये आपका एक वैन लिंक है, ये आपका एक सीरियल लिंक है. तो ये हम यूज करते हैं जब भी हम बिटवीन टू राउटर्स जो है आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं. अब जो आपकी स्टैटिक राउटिंग है उसकी जो हमने जब अपने लास्ट टाइम कमांड देखी थी तो हमने क्या कहा था कि इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी आपने कोई चीज कॉन्फ़िगर करनी होती है तो वो आप अपने किस मोड में करते हैं, वो आप अपने ग्लोबल मोड में करते हैं. तो अब इसकी देखें क्या कमांड है, हम इस टाइम पे किस मोड में है, राइट नाउ वी आर इन द ग्लोबल मोड. तो हम इस टाइम पे अपने ग्लोबल मोड में हैं. अब ये देखें कि यहाँ पे हम लिखते हैं आईपी देन राउट देन नेटवर्क, ठीक है. एक तो आईपी राउट जो है ये आपके पास कीवर्ड है, ये आप ये जब भी आप अपने स्टैटिक राउट को यूज करेंगे तो इसमें जो आपके पास आईपी राउट है ये आपके पास फिक्स है, इसको आपने यूज करना ही करना है. देन आपके पास नेटवर्क, जो आपके पास डेस्टिनेशन नेटवर्क है जहाँ आपने पहुँचना है, जहाँ आपने जाना है, ठीक है. उसके बाद उसका मास्क, जो उस नेटवर्क का बाय डिफॉल्ट मास्क है. फिर आपके पास एड्रेस और इंटरफेस, मैं अगर यहाँ से वापस आऊँ तो आप ये देखें कि जब हमने यहाँ पे ये आपके पास सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है. तो आपने यहाँ लिख दिया आईपी राउट, आपका जो डेस्टिनेशन नेटवर्क है वो आपके पास, ये आपका डेस्टिनेशन एड्रेस आ गया इसका. फिर आपका मास्क आएगा और फिर जिस इंटरफेस से उस पैकेट ने बाहर जाना है उसका एड्रेस, ये जो डिस्टेंस है इसको आगे आप डिस्कस करते हैं, ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है. ये डिस्टेंस है ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, हर राउटिंग प्रोटोकॉल का एक प्री डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस पहले से है. और परमानेंट क्या है, देखें जब मैंने ये एंट्री हमने क्या बात की थी, हम जब भी अपने राउटर में काम कर रहे होते हैं तो उसमें जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो सारी की सारी
aapki RAM mein save ho rahi hoti hain. Jaise hi aap router ko reboot karte hain, wo sari ki sari entries aapki wash out ho jati hain. To usko agar aapne permanent save karna hai, to fir aapko kya kya karna padta hai ki us command ke end ke upar aap just likh dein permanent, to wo kya hoga ki aapki permanent usko save kar dega. To jo iski jo yahan pe iski command aa rahi hai, ip route, then network, phir uska mask, phir uska address, uska administrative distance aur permanent. To ab aap ye dekhein ki ye hamare paas ek static route ki real example aa gayi hai. Hum isko dekhte hain. Ye aapke paas ye ek network hai, theek hai. ये आपके पास दूसरा नेटवर्क है, ये आपके पास सीरियल 0 पोर्ट है, ये आप देख रहे हैं 172.16.2.2 ये सीरियल 0 का एड्रेस है, और ये आपके पास सीरियल, इसको हम सीरियल 0 भी कह सकते हैं, 1 भी कह सकते हैं, ये इसका एड्रेस है. अब आपने जब यहां पे अपने स्टैटिक रूट की कमांड यूज की, तो आपने क्या किया, आईपी देन रूट देन आपके पास 172, ये आपके पास वो स्टब नेटवर्क है, ठीक है, जिसको मैं लिखा यहां पे 172.16.1.0, और इसके बाद इसका मास्क आ गया 255.255.255.0, और यहां तक पहुंचने के लिए ये कहां से पास इन करेगा, ये यहां से पास इन करेगा 172.16.2.1, ये इसका यहां पे नेक्स्ट स्टॉप है. तो ये कमांड अगर आप चाहें तो ये आप यहां पे भी साइन कर सकते हैं. अगर आप करना चाहें, आप कमांड लाइन में जाएं, enable configure terminal ip route, हम लिखते हैं 20.20, ये आपका नेटवर्क है, ये मास्क आ गया, ये अभी हम डमी मास्क इसमें दे रहे हैं, और इंटरफेस एड्रेस हम ये दे देते हैं. तो क्या कह रहा है, आपके पास इनकंप्लीट inconsistent address and mask, बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि ये हमने क्लास ए यूज किया, क्लास ए में सब जीरो होते हैं, ठीक है, क्लास ए में फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क आईडी होती है. हम वापस जाते हैं 0.0.0.255.0.0.0.172.16.1. तो ये आपने अपनी आईपी राउट की कमांड यहां हमने चेक की कि आईपी राउट 20, ये आपके पास वो नेटवर्क है जहां आपने पहुंचना है, ये उसका बाय डिफॉल्ट मास्क आगे क्लास ए यूज कर रहे हैं, तो उसका मास्क है 255.0.0.0, और वो किस डायरेक्शन पे पहुंचेगा, वो पहुंचेगा आपके पास वहां तक 172.1.1.1.1. तो ये आप देख रहे हैं, ये आपके पास एक आईपी राउट की कमांड है जो हमने यहां पे देखी. तो ये आपको बात समझ आएगी, दिस इज अ यूनिडायरेक्शनल रूट, यू मस्ट हैव अ रूट कॉन्फिगर इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, यू मस्ट हैव अ रूट. ये अगर आपने किया तो ये वन वे कम्युनिकेशन है. अब वहां से भी आपको आपस में कॉन्फिगर करना पड़ेगा, वरना ये तो डाटा सेंड करता रहेगा, वो वहां से डाटा सेंड नहीं कर सकता, वो सिर्फ डाटा आपका रिसीव ही करेगा, वो डाटे को सेंड नहीं कर सकेगा. तो ये जो आपके पास है, ये आपका यहां पे यूनिडायरेक्शन रूट है. देन आपके पास फर्स्ट जो थी वो आपके पास थी आपकी स्टैटिक राउटिंग, फिर हमने बात की कि आपके पास आपकी डायनामिक राउटिंग आ गई. अब जो थर्ड है, इट्स अ डिफॉल्ट राउटिंग. डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है कि जब आपको डेस्टिनेशन नोन नहीं है कि पैकेट आपने कहां ट्रांसमिट करना है, किधर ट्रांसमिट करना है, तब आप यूज करते हैं अपनी डिफॉल्ट राउटिंग यूज करते हैं. डिफॉल्ट राउटिंग के अंदर आईपी रूट जो आपका नेटवर्क है, आईपी देन रूट देन 0.0.0.0, ये आपके पास आपकी नेटवर्क आईडी है, और ये आपके पास आपकी डेस्टिनेशन आईडी है 0.0.0.0, और ये आपके पास आपका नेक्स्ट स्टॉप है. जब आप यहां बैठे हुए, आपने यहां तक पहुंचना है, तो आपने क्या कमांड दी, आईपी देन रूट देन 0 देन .0.0.0, ये आपके पास वो नेटवर्क आईडी आ गई, और ये आपके पास वो इसका मास्क आ गया, क्योंकि जो आपका डिफॉल्ट रूट है उसमें रूट भी 0.0.0.0 होगा, उसका मास्क भी 0.0.0.0 होगा. ये आप तब यूज करते हैं जब आपको डेस्टिनेशन नोन नहीं होती. जब मैंने ये कमांड यहां यूज की है, आईपी देन रूट
0.0.0.0.0. ये अब हम इसकी कमांड भी यहाँ पे यूज करके देख लेते हैं इस राउटर के ऊपर. मैं कमांड लाइन इंटरफेस में जाता हूँ, नो इंटर करता हूँ, इनेबल लिखता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी रूट 0.0.0. ये आपकी नेटवर्क आईडी हो गई 0.0.0. ये आपका मास्क हो गया 192.16. ये आपका नेक्स्ट आप हो गया. तो ये आपने इस राउटर के ऊपर आपने अगर हमसे चेक करना है शो आईपी राउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप ये देखें कि यहाँ पे जो आपने क्या चीज़ के आपका कौन सा राउटिंग टेबल चल रहा है कोई. तो अभी आपके पास कोई राउटिंग टेबल है ही नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे ये सारे के सारा जो आपको क्या मिल रहा है ब्लैंक मिल रहा है. दिस रूट अलाउज द स्टब नेटवर्क टू रीच ऑल नोन नेटवर्क बिहाइंड राउटर ए. यानी क्या कह रहे हैं कि दिस रूट अलाउज द स्टब नेटवर्क, ये आपको स्टब नेटवर्क अलाउ करता है टू रीच ऑल नोन नेटवर्क बिहाइंड राउटर ए. यानी ये जो आपको है ये आपको जो स्टब नेटवर्क है ठीक है ये इसको अलाउ करता है कम्युनिकेशन. और इस डायग्राम में कौन सा आपका स्टब नेटवर्क है, ये आपके पास सारे का सारा ये आपका स्टब नेटवर्क है. देन व्हाट इज अ राउटिंग प्रोटोकॉल. देखें हमारे पास प्रोटोकॉल दो होते हैं. प्रोटोकॉल में जो है वो अगर हम देखें तो आपके पास राउटेड, और मैं अगर इसकी एक वर्ड में डायग्राम बनाता हूँ आप लोगों के लिए. प्रोटोकॉल होते हैं आपके पास वन राउटेड, सेकंड राउटिंग, राउटिंग में होते हैं एक इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल और दूसरे एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं. और राउटेड के अंदर क्या होता है, टीसीपी जो आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है एंड सो ऑन. तो ये आप देख रहे हैं कि आपके जो डायग्राम है इसमें एक आपके पास आ गया राउटर प्रोटोकॉल आ गया, देन आपके पास राउटिंग प्रोटोकॉल आ गए. तो यहाँ पे हम अब देखते हैं, वापस आते हैं हम इसके अंदर कि जो आपके बिटवीन नेटवर्क्स कम्युनिकेशन होती है, जो बिटवीन नेटवर्क्स आप कम्युनिकेट करवा रहे होते हैं वो आपके राउटेड प्रोटोकॉल होते हैं. जो आपकी बिटवीन नेटवर्क्स कम्युनिकेशन होती है, बिटवीन टू नेटवर्क्स, बिटवीन थ्री नेटवर्क्स, बिटवीन फोर नेटवर्क, वो आपके राउटेड प्रोटोकॉल होते हैं. राउटेड प्रोटोकॉल्स ठीक है, वंस द पाथ इज डिटरमाइंड अ राउटर कैन राउट अ राउटर प्रोटोकॉल. वो आपका जो आपका राउटर प्रोटोकॉल है वो आप इसमें कम्युनिकेट करवा सकते हैं. और जो आपके पास राउटिंग प्रोटोकॉल हैं वो क्या है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड बिटवीन राउटर्स टू डिटरमाइन पाथ एंड मेंटेन राउटिंग टेबल. जब आपने बिटवीन राउटर्स कम्युनिकेशन करवानी होती है, जब आपके टू राउटर्स हैं, थ्री राउटर्स हैं, फोर राउटर्स हैं, फाइव राउटर्स हैं, जब आपने उन राउटर्स के बिटवीन कम्युनिकेशन करवानी है तो फिर आप यूज करेंगे अपनी राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करेंगे. तो जो राउटेड प्रोटोकॉल्स हैं ये जब भी आप यूज करेंगे ये बिटवीन नेटवर्क्स होंगे. और अब आपके पास जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उसमें फिर हम आगे जाके देखेंगे, एक आपके पास इंटीरियर गेटवे होते हैं और एक आपके पास एक्सटीरियर गेटवे होते हैं. फिर हम अभी इसका हम डिफरेंस देखते हैं कि इंटीरियर गेटवे क्या होता है और एक्सटीरियर गेटवे क्या होता है. इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आप ये देखें आपके पास जो राउटेड है यहाँ पे, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया है, ये इट्स आई पी. तो और जो आपके पास राउटिंग प्रोटोकॉल है वो आपका रिप है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, IGRP, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, IS, देन
IS, intermediate system, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे आपके routing protocols हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि routing protocols are used between router to determine path and maintain routing table, और ये between networks की हम बात करते हैं। तो ये आपके पास एक network है जो हम यहाँ use कर रहे हैं। अब हम जो मैंने इस diagram में लिखा था कि router में IP है, then routing में हमने लिखा था IGRP और आपके पास EGP। अब जो आपके पास यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है आपका autonomous system, क्या होता है? It's a common administrative domain, जिस तरह हम क्या करते हैं कि मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो इस यूनिवर्सिटी में 4 different departments हैं, एक मेरे पास कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, एक मेरे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, एक मेरे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, और एक मेरे पास मैनेजमेंट साइंसेस का डिपार्टमेंट है। अब हर डिपार्टमेंट में किसी में 100 स्टूडेंट है, किसी में 150 स्टूडेंट है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो डिफरेंट के कुछ सिस्टम्स में फिक्स कर दूँ, मैं डोमेन्स बना दूँ, तो मैं उनकी डोमेन बना देता हूँ कि ये जो लैब वन है जब तक आप इसके नीचे जो है ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट साइंस वाले यूज करेंगे तो वो अपना यूजर नेम देंगे, अपने डोमेन का नेम लिखेंगे, तो वो यूजर नेम उनकी डोमेन में सिर्फ लेजिटिमेट होगा, वो उनको उस नेटवर्क के ऊपर उन यूजर्स को एक्सेस मिल जाएगा। अब जो आपके पास यानी आपने 4 डोमेन बना दी, ठीक है, एक आपने इंजीनियरिंग की बना दी, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बना दी, आपने कंप्यूटर साइंस की बना दी, तो वो आपके पास एक डोमेन है। तो आपका जो ऑटोनॉमस सिस्टम है ये भी एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन है। मैं कहूँ कि लाहौर के राउटर सारे एक नेटवर्क में काम करेंगे, कराची के सारे एक नेटवर्क में काम करेंगे, पेशावर के सारे एक नेटवर्क में काम करेंगे, तो वो उनका वन क्या है, वो उनका वन ऑटोनॉमस सिस्टम है। अब आपके पास जो ऑटोनॉमस सिस्टम है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एन ऑटोनॉमस सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स अंडर अ कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन, यानी जो आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन की डोमेन होगी वो एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन होगी, उसके अंडर ही आप उसको रन कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो आपका ऑटोनॉमस सिस्टम है इज अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क अंडर अ कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन। अब जो आपके आप ये देख रहे हैं कि ये और ये जो नंबर है जिस तरह आप अपने आईपी एड्रेसेस को बाय करते हैं एग्जैक्टली ये नंबर भी वैसे ही बाय किए जाते हैं। ये आप जो नंबर देख रहे हैं ये आपका ऑटोनॉमस सिस्टम का नंबर है, ठीक है, ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके ऑटोनॉमस सिस्टम का नंबर है। तो जब मैं बात करता हूँ तो ये सारे का सारा मेरे पास एक सिंगल ऑटोनॉमस सिस्टम है, ये मेरे पास दूसरा टर्म सिस्टम है। तो जो इसके जो विद इन दिस यानी जो आपके पास ये पूरा टर्म सिस्टम है जो इसके अंडर जितने भी राउटर्स जो है कम्युनिकेट करवा रहे होंगे वो सारे के सारे आपके इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल होंगे, यानी जो इन बिटवीन यहाँ पे जितने भी राउटर्स कम्युनिकेट करवा रहे हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ये यानी ये आपके पास एक पूरा टर्म सिस्टम था, अब इसमें जितने भी राउटर्स आपस में कम्युनिकेट करवा रहे हैं, सेंडिंग कर रहे हैं, ये सारे इंटीरियर गेटवे कौन कौन से हैं, आपका रिप है, आपका आईजीआरपी है, आपका ओएसपीएफ है, आपका नास आईजीआरपी है। एक्सटीरियर देयर इज ओनली वन ऑप्शन इन द वर्ल्ड दैट इज बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। जो आपका एक्सटीरियर गेटवे होता है, एक्सटीरियर गेटवे का क्या ऑब्जेक्टिव है कि कम्युनिकेशन बिटवीन टू ऑटोनॉमस सिस्टम। मैं अगर कहूँ कि ये जो मेरे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो मेरे पास कंप्लीट जो आपका वन ऑटोनॉमस सिस्टम है, ठीक है, ये मैं कहता हूँ कि ये इसके अंदर सारे के सारे काम सेट्स लाहौर के राउटर काम कर रहे हैं और ये काम सेट्स जो है पेशावर के जितने भी राउटर्स हैं वो उसमें काम कर रहे हैं। तो ये मेरा वन टर्म सिस्टम है, ये मेरा दूसरा टर्म सिस्टम है। अब बिटवीन टू टर्म सिस्टम जो मेरी जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है वो यूजिंग ईजीपी हो रही है, एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, या ठीक है। अब आपके पास जो एक्सटीरियर गेटवे जो आपका बनता है, ठीक है, वो सिर्फ आपके पास क्या है, वो आपके पास बीजीपी है। बीजीपी जो आपका बॉर्डर गेटवे जो आपका प्रोटोकॉल है ये आपके पास एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। अब हम बात करते हैं अब इन डेफिनेशन को, ऑटोनॉमस सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स अंडर अ कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन
IGPs operate, जो आपके इंटीरियर गेटवे हैं वो ऑपरेट विद इन वन टर्मिनल, यानी जो जो इसके अंदर ही कम्युनिकेट करेंगे वो IGPs हो जाएंगे, और EGP कनेक्ट डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम, लाइक अगर मेरे पास ये एक सिस्टम है ये दूसरा सिस्टम है, तो इन दो डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए मैं जो चीज़ यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ EGP एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। और वो कौन सा बनता है, वो बनता है BGP, ठीक है। उसमें एक की एग्जांपल है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो ये था आपके पास कि हमने जो यहाँ चार्ट बनाया था कि राउटेड में IP आ गया, फिर राउटिंग में IGP आ गया, फिर अब इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। RIP, IGRP, OSPF, ISIS और examples of तो इसकी जो एग्जांपल है वो सिंपल, और आपके पास क्या है, सिर्फ सिर्फ BGP है, इसके अलावा इसकी कोई और एग्जांपल नहीं है। अब आपके पास आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस है। अगर मैं वापस जाऊं तो मैंने यहाँ पे कहा था कि हम एक डिस्टेंस जो है वो नेक्स्ट स्लाइड्स में जाके डिस्कस करेंगे, तो ये वो कौन सा डिस्टेंस है, ये जो आपके पास ये डिस्टेंस आया है, ये डिस्टेंस आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस जो होता है ये हर प्रोटोकॉल का, जब आपके प्रोटोकॉल्स डिजाइन किए गए, जब आपके प्रोटोकॉल्स बनाए गए, तो हर एक के साथ उसका एक डिस्टेंस प्री डिफाइन कर दिया गया। अब जो आपके पास इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसका जो डिस्टेंस है ये है 100। जो आपके पास राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, इसका डिस्टेंस है 120। आई नीड टू सेंड अ पैकेट टू नेटवर्क ई, बस राउटर बी एंड सी विल गेट देयर विच राउट इज बेस्ट। अब अगर इसने सेंड करना है, ठीक है, आई नीड टू सेंड अ पैकेट नेटवर्क ई, इसने नेटवर्क ई को सेंड करना है, तो ये राउटर बी भी सेंड कर सकता है और राउटर सी भी सेंड कर सकता है यहाँ पे पहुँचने के लिए, तो वो कौन सा रूट बेस्ट, वो किसको प्रेफर करे। देखें, आप यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से अपने यहाँ पहुँचना है, तो एक बात आपके पास ये है और दूसरे बात आपके पास ये है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वो देखेगा, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस लेस होगा उसको आप प्रेफर करेंगे कम्युनिकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस यहाँ पे आप देख रहे हैं 100 है और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120 है, तो इसको प्रेफर करेगा। अगर मैं OSPF यूज करता हूँ, उसका अगर 90 है, तो फिर वो किसको यूज करेगा, वो OSPF को यूज करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हम इसलिए डिफाइन करते हैं कि जहाँ पे आपके पास एक से ज्यादा राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे हों, 2, 3, 4 आप वहाँ पे रन कर रहे हों, तो फिर जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम होगा आप उस राउटिंग प्रोटोकॉल को प्रेफर करेंगे कम्युनिकेशन के लिए, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ज्यादा होगा आप उसको जो है प्रेफर नहीं करेंगे अपनी कम्युनिकेशन के लिए। अब क्लासेस ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, डिस्टेंस फैक्टर, लिंक स्टेट और हाइब्रिड। अब हम इन तीनों क्लासेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले तो हम जो जो हाइब्रिड को यहीं देख लेते हैं, कम्बिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड लिंक स्टेट, ठीक है। जो आपके पास डिस्टेंस फैक्टर और लिंक स्टेट का कम्बिनेशन है वो आपके पास क्या है, वो आपकी हाइब्रिड राउटिंग है, यानी जो आप डिस्टेंस फैक्टर और लिंक स्टेट को आपस में कंबाइन करते हैं, तो वो आपके पास क्या आ जाती है, वो आपकी सारी की सारी हाइब्रिड राउटिंग आती है। तो डिस्टेंस और लिंक स्टेट को कंबाइन करके जो राउटिंग आपके पास बनती है वो आपकी हाइब्रिड राउटिंग बनती है। अब हम वन बाय वन देखते हैं डिस्टेंस फैक्टर। डिस्टेंस फैक्टर के अंदर जो आपकी राउटिंग परफॉर्म हो रही होती है वो डिस्टेंस और डायरेक्शन के ऊपर आप परफॉर्म करते हैं। आप देखें कि ये आपके पास राउटर डी है, ये राउटर सी है, ये राउटर बी है और ये राउटर ए है। हर एक के साथ उसका एक एक राउटिंग टेबल है ये, और ये देख रहे हैं कि ये एक एरो, ये एक, ये आपस में अपडेशन के लिए है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए है। जब कोई चेंज आती है किसी भी राउटिंग टेबल में, तो वो चेंज सिंक्रोनाइज की जाती है पूरे नेटवर्क के अंदर। तो ये क्या करता है, पास
periodic copies of routing table to neighbor routers and accumulate distance vectors. अब जो distance vector है, एक तो उसका जो सबसे बड़ा drawback है वो ये है कि अगर फर्ज किया ये router C है, इसके पास 30 entries save हैं, वो इसने यहाँ भी भेजी हुई हैं, यहाँ भी भेजी हुई हैं और इस B ने यहाँ send की, क्योंकि आपस में तमाम के तमाम sync हैं. मैं अगर आपकी for example मैं आपको एक message दूँ कि कल वाली class हम नहीं पढ़ना चाहते, मैं CR को message कर दूँ कि कल वाली class नहीं होगी और उसे ये कह दूँ कि तुम वो message सबको दे दो, तो वो जो class में आपने देखा होता है कि different लोगों ने अपने groups बनाए होते हैं, एक group 5, वो हर group के leader को message कर दे कि कल वाली class नहीं होगी और वो जो group leader है वो आगे उस group के जितने भी members हैं उन तमाम को message कर दे कल वाली class नहीं होगी. ठीक है, तो अब क्या होगा कि थोड़ी देर में जो आपका मैसेज है वो पूरी क्लास में ब्रॉडकास्ट कर जाएगा कि कल वाली क्लास नहीं होगी. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपके पास डिस्टेंस वेक्टर की जब हम बात करते हैं, तो ये जो राउटिंग है, ये इसका राउटिंग टेबल यहाँ पे लिंक है, इसका यहाँ लिंक है, इसका यहाँ लिंक है. अब यहाँ पे यू हैव 30 इंट्रीज, आपके पास 30 इंट्रीज हैं. अब वो जो 30 इंट्रीज आपके पास इस राउटिंग टेबल में है, इसमें कोई एक नई इंट्री ऐड होती है, तो बाय लॉ तो ये होना चाहिए कि वो जस्ट जो न्यू इंट्री है वो ब्रॉडकास्ट करनी चाहिए कि यहाँ पे अगर क्लास में या यहाँ पे एक नई इंट्री ऐड होती है 31 इंट्री, तो इसको वो इंट्री यहाँ भी ब्रॉडकास्ट करनी चाहिए, यहाँ भी करनी चाहिए और यहाँ से जो ये राउटर है ये इसको यहाँ भी ब्रॉडकास्ट कर दे. लेकिन periodic routing के अंदर या periodic updates के अंदर क्या होता है कि वो पूरे का पूरा routing table फिर broadcast करता है, वो खाली वो entry broadcast नहीं करता, वो क्या करता है कि जो पूरे का पूरा आपका routing table है वो फिर उसको pick करेगा, यानी जो इसके पास जो यहाँ पे पूरा routing table है वो 31 entries यहाँ भी भेजेगा और 31 entries यहाँ भी भेजेगा. तो ये जो distance vector का जो सबसे बड़ा drawback है वो periodic updates में क्या करता है कि वो पूरे का जो पूरा routing table है वो फिर से broadcast कर देता है और वो broadcast यहाँ भी जाती है, यहाँ भी जाती है, यहाँ भी जाती है, यहाँ भी जाती है. ठीक है, तो और यानी इससे आपकी bandwidth की wastage होती है कि अगर एक एंट्री थी वो जस्ट ब्रॉडकास्ट, जब पूरा राउटिंग केबल पिक करेगा उसका एक साइज होगा, जब वो ब्रॉडकास्ट करेगा आपकी बैंडविड्थ यूटिलाइज होगी. ठीक है, जब बैंडविड्थ यूटिलाइज होगी तो आपकी स्पीड बाकी नेटवर्क के ऊपर जो कम हो जाएगी. तो लिहाजा जो डिस्टेंस वेक्टर का जो प्रॉब्लम एक है वो ये है कि ये पीरियोडिक ब्रॉडकास्टिंग या पीरियोडिक अपडेट सेंड करता है अक्रॉस द नेटवर्क. अब हम देखते हैं कि जो डिस्टेंस वेक्टर होते हैं, जो आपकी सोर्स की इंफॉर्मेशन होती है, जो आपके राउटिंग टेबल बिल्ड किए जाते हैं, जो इंफॉर्मेशन डिस्कवर की जाती है वो कैसे की जाती है. इस डायग्राम में आप देखें कि आपके पास देर आर थ्री राउटर्स, राउटर ठीक है, नेम ए, नेम बी एंड नेम सी. अब ये आपके पास आ गया इथरनेट, जब भी आपने, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई एक लैन आपने लिंक किया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ कोई स्विच लगा हुआ है, उसके साथ डिफरेंट पीसेज लगे हुए हैं. मैं इस डायग्राम को अगर आपको यहाँ पे ड्रा करके बताऊं कि अगर फर्ज किया आपके पास ये दो नेटवर्क्स हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये एक स्विच लगा लेता हूँ और एक स्विच, ये स्विच मैंने यहाँ लगा दिया और एक स्विच यहाँ लगा दिया और मैं इस नेटवर्क के साथ अपने टू पीसेस लगा देता हूँ, टू पीसेस यहाँ लगा देता हूँ और टू पीसेस यहाँ लगा देता हूँ. ये होगी आपकी स्टेट केबल, और दूसरी केबल आपने इसको यहाँ पर लिंक किया और ये आपके पास यहाँ पे स्विच वन आ गया और फिर आपने इस केबल को यहाँ से पिक किया और इस पीसी में आपने यहाँ लिंक कर दिया. ये आपके पास अगर आप इस डायग्राम में जाएं तो ये वो लैन है. अब आपने इन दो राउटर्स को इथरनेट जीरो या फास्ट के साथ लिंक करना है, तो मैं ये केबल यहाँ से पिक करता हूँ स्विच में और ये आप देखें इस राउटर में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, फास्ट इतना आ रहा है, तो मैं इसको फास्ट के साथ यहाँ लिंक कर देता हूँ और ये मैं यहाँ लिंक कर देता हूँ. अब ये जो आप नेटवर्क देख रहे हैं ये मेरे पास लैन वन है, ये मेरे पास लैन टू है और ये मेरे पास वैन वन, ये एक नेटवर्क है. तो देर आर थ्री नेटवर्क, ये मेरे पास ये जो इस इथरनेट से इधर है ये सारे का सारा यहाँ तक ये एक नेटवर्क है,
ये मेरे पास जो है ये मेरे पास दूसरा नेटवर्क है और ये मेरे पास जो है ये मेरे पास तीसरा नेटवर्क है. तो यहाँ पे आप ये देखें कि ये इसी तरीके से यहाँ पे जो इस एरिया के साइड पे जो ये एरिया ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है और ये थर्ड नेटवर्क है. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटर है वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को डिस्कवर कर रहा होता है. ए बी सी आ गया, ये आपके पास ईथरनेट जीरो आ गया, आप देख रहे हैं 10.1.0.0 आ गया, 10.1.0.0 आ गया, ये आपने ईथरनेट जीरो के साथ लिंक कर दिया और ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है इस नेटवर्क के साथ. तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, जीरो आ गया. जीरो क्यों आ गया कि आपने 10.1.0.0 ये इसके साथ डायरेक्टली आपका लिंक है, इसलिए यहाँ पे आपके पास ये जीरो आ गया. देन आप देख रहे हैं कि उसके बाद आपके पास क्या है 10.2. अब हम यहां से ज्यूम कर रहे हैं कि आप यहां बैठे हुए हैं, इस जगह पे आप हैं, यहां से आप देख रहे हैं कि 10.2 का लगा हुआ है, ये आपके पास 10.2.0.0 आ गया. तो 10.2.0.0 किस इंटरफेस के साथ है, सीरियल जीरो के साथ है, इसके आगे कितने टोटल जीरो है, तो यहाँ पे जीरो आ गया. ठीक है जी, हम इसको आगे भी कर लेते हैं थोड़ा सा. अब नेक्स्ट देखें यहाँ बैठ के 10.3 का है, 10.3.0.0 वो यहाँ पे है किस. अब यहाँ तक पहुँचने के लिए वो कौन सा इंटरफेस यूज़ करेगा, वो सीरियल ज़ीरो यूज़ करेगा. यानी यहाँ तक पहुँचने के लिए वो जो इंटरफेस यूज़ करेगा वो कौन सा यूज़ करेगा, वो सीरियल ज़ीरो इंटरफेस यूज़ करेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए. यहाँ बैठे हुए टेंडर और ये यहाँ तक पहुँचने के लिए दरमियान में कितने आपके राउटर्स आ रहे हैं या कितनी हॉप काउंट्स आ रही हैं, आपके पास एक राउटर आ रहा है या वन हॉप काउंट आ रही है. फिर आपने जब यहाँ पहुँचना है तो आप देखें 10.4.0.0 ये आपके पास 10.4.0.0 है. तो यहाँ पे पहुँचने के लिए यहाँ पे दरमियान में कितने आप आ रहे हैं, वन और टू. और यहाँ पहुँचने के लिए कौन सा इंटरफेस यूज़ होगा, आप देख रहे हैं सीरियल ज़ीरो ही यूज़ होगा. और आपके पास दरमियान में कितने राउटर्स आ रहे हैं, आपके पास टू राउटर्स आ रही है, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास आ रहे हैं टू राउटर्स आ रहे हैं. अब नेक्स्ट आप अपना राउटिंग टेबल देखें 10.2.0.0 जो 10.2.0.0 लगा हुआ है, ये कहाँ लगा हुआ है, इसी के साथ लगा हुआ है, ये डायरेक्टली लगा हुआ है. 10.3.0.0 क्या है, वो आपका ये देखें, ये 10.3.0.0 है, आप इसको भी देख रहे हैं, ये भी आपके पास जो है डायरेक्टली लगा हुआ है. 10.4.0 अब यहाँ बैठे हैं तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं तो 10.4.0.0 जो है वो आपका यहाँ पे लगा हुआ है, इसके आगे कितनी हॉप्स हैं, वो आपकी यहाँ पे वन हॉप है. और यहाँ से वापस भी एक नेटवर्क लगा हुआ है, वो क्या है 10.1.0.0, तो वो आपने यहाँ लगा दिया. और ये आपके यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन सा इंटरफेस यूज़ करेगा, सीरियल जीरो यूज़ करेगा, कितनी हॉप दूर है, दरमियान में वन हॉप आ रही है, तो यहाँ पे आपने वन लिख दिया. अब आप सी भी आ जाएं 10.3.0.0 जो है वो सीरियल जीरो के साथ लगा हुआ है और ये डायरेक्टली ये आपका डायरेक्टली लिंक्ड है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास जो है जीरो आ गया. 10.4.0.0 ईथरनेट जीरो पे आपका लिंक्ड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसलिए 10.4.0.0 आ गया. देन 10.2.0.0 जो है वो आपका यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे पहुँचने के लिए आप सीरियल जीरो यूज करेंगे, दरमियान में कितनी हॉप्स आएंगी, यहाँ पे आपके पास जो है वन हॉप आएगी. देन आपके पास 10.1.0 ये आप देखें 10.1.0.0 जो है ये आपका सीरियल जीरो के साथ लगा हुआ है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास दरमियान में कितनी हॉप्स आएंगी, एक वन हॉप आएगी और एक टू हॉप आएगी, तो यहाँ पे आपने कह लिया टू. तो आप ये देख रहे हैं कि ये राउटिंग डिस्कवरिंग प्रोसीजर है कि जब आप राउटिंग जब आपके राउटर्स ऑन होते हैं तो जो आपका राउटिंग टेबल बनाए जाते हैं वो किस तरीके से आप राउटिंग टेबल को डिस्कवर करते हैं. जो राउटिंग टेबल की डिस्कवरी होती है वो इस तरीके से होती है. ये आप देखें कि यहाँ पे जो आपने ये क्या किया है कि राउटिंग टेबल्स की जो आपने डिस्कवरी की है कि ये इसका एक राउटिंग टेबल बन गया, ये इसका बन गया, इसका बन गया. तो इस तरीके से आपकी डिस्टेंस वेक्टर में जो है और जो आपकी राउट डिस्कवरी होती है, जो राउट गैदरिंग होती है, वो इस तरीके से होती है. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डिस्टेंस वेक्टर जो है वो उसका मीटर क्या है. अब एक तो आपके पास रिप है, रिप का मीटर क्या है, हाफ काउंट, नंबर ऑफ हाफ. देखें मैंने अगर यहाँ से पहुँचना है लाहौर तो पैकेट भेजना है, अगर वहाँ पे अगर तीन पाथ हैं, एक पाथ में आपके 20 राउटर्स आते हैं, उसकी बैंडविड्थ 20 GB है, यानी 20 राउटर्स आते हैं
और उसकी बैंडविड्थ 20 GB है, ठीक है। दूसरे लिंक में जो है 5 राउटर आते हैं, उसकी बैंडविड्थ 30 GB है, और तीसरे लिंक में 2 राउटर आते हैं, उसकी बैंडविड्थ 2 MB है। तो इन सब में से बेस्ट पाथ कौन सा हुआ जिसके अंदर आपके 5 राउटर्स हैं और 30 GB पाथ है आपका, लेकिन रिप क्या है वो सिर्फ और सिर्फ उसको पिक करेगा जिसके नंबर ऑफ हाफ काउंट्स कम है, वो अब डायरेक्टली पिक करेगा 2 राउटर, हालांकि उसकी बैंडविड्थ 1 MB है, ठीक है। वहां तक पहुंचते हुए माइट भी 3 घंटे लग जाए, लेकिन वो सिर्फ काउंट करता है नंबर ऑफ राउटर्स को, नंबर ऑफ हाफ काउंट्स को। तो वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ राउटर्स को काउंट करेगा, नंबर ऑफ हाफ को काउंट करेगा कि इतनी हाफ है, इतनी इसमें आ रही है, तो वो उसको काउंट करके अपना पैकेट सेंड या रिसीव करेगा, ठीक है। तो जो आपके पास रिप है वो जो उसका क्राइटेरिया है वो क्या है, वो आपका हाफ काउंट है, वो नंबर ऑफ राउटर्स को काउंट करके पैकेट को सेंड और रिसीव करवाता है। जबकि इसके के अगेंस्ट जो आपके पास दूसरा है वो क्या है, आपके पास IGRP इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। जो आपके पास IGRP है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, इसमें आप पैरामीटर्स देख रहे हैं बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी और MTU, देर आर 5 पैरामीटर्स। इसके अंदर आपके पास 5 पैरामीटर्स आ रहे हैं, एक बैंडविड्थ का आ रहा है, एक डिले का आ रहा है, एक लोड का आ रहा है, एक आ रहा है आपके पास वो कितना रिलायबल है, और एक आपके पास आ रहा है MTU कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या है। तो ये आपके पास इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल के, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आप रिप में देख रहे हैं कि रिप में क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ हाफ काउंट्स काउंट कर रहा है कि अगर इस लिंक में इतने हाफ काउंट्स आ रहे हैं तो जिसमें कम आ रहे हैं उसको प्रेफर करेगा। अगर वही चीज हमने कहा था कि नावल नेटवर्क भी होता है, तो नावल में हमने क्या कहा था कि यूज होता है IPX यूज होता है। तो अगर आप बात करते हैं IPX की बात करते हैं तो वो आपका इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज, IPX जो होता है वो आपके पास क्या होता है, इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज होता है। तो उसमें जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, टिक्स या हॉप्स, ठीक है। उसमें हम जो यूज कर रहे होते हैं वो टिक्स या हाफ काउंट होते हैं। जबकि इंटीरियर गेटवे में क्या है कि वो उस लिंक का बैंडविड्थ भी देखेगा, उस लिंक का डिले भी कैलकुलेट करेगा, उस लिंक में कितना लोड है वो भी कैलकुलेट करेगा, वो लिंक कितना रिलायबल है वो भी कैलकुलेट करेगा, और उस लिंक का मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या है, एक वक्त में वो कितना डाटा सेंड और रिसीव कर सकता है वो भी कैलकुलेट करेगा। ये 5 पैरामीटर्स कैलकुलेट करके वो डाटे को सेंड और रिसीव करेगा। तो इसलिए जो IGRP है उसकी जो पाथ सिलेक्शन है वो बहुत बेहतर है और वो ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इसलिए हम रिप को जो ज़्यादा यूज़ नहीं करते। एक रीज़न तो ये कि मैक्सिमम 16 राउटर्स तक डाटा भेज सकता है, दूसरा जो उसकी पाथ सिलेक्शन है वो सिंपल वो आपका क्या क्या करता है, नंबर ऑफ हाफ काउंट्स को काउंट करता है। जबकि जो आपके पास इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है वो आपके पास बैंडविड्थ, डिले, लोड, लिंक कितना रिलायबल है और लिंक का मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या है, वो इन तमाम को कैलकुलेट करके पाथ को सेंड और रिसीव करता है। अब आप देखें कि जो आपकी अपडेशन होती है वो कि ये हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस वेक्टर मेंटेनिंग राउटिंग इंफॉर्मेशन, ये आपके पास एक टोपोलॉजी चेंज काजेज, ठीक है। यहाँ पे आपके कोई भी चेंज आई है, आपके राउटिंग टेबल में कोई चेंज आई है, तो आपने इसको प्रोसेस टू अपडेट दिस राउटिंग, आपने उस चेंज को इस राउटिंग टेबल में अपडेट किया, देन ये जो राउटर है ये ब्रॉडकास्ट कर देगा नेक्स्ट, यानी जो राउटर ए सेंड आउट दिस अपडेटेड राउटिंग टेबल आफ्टर द नेक्स्ट पीरियड एक्सपायर्स, ठीक है, ये इसको आगे सेंड कर देगा और ये यहां पहुंच गया प्रोसेस टू अपडेट दिस राउटिंग टेबल, यानी जैसे ही वो आपका टाइम कंप्लीट होगा ये इसको यहां सेंड कर देगा और इस तरह वाइस वर्सा एंड सो वार्स, ठीक है। तो ये आपके अपडेशन, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी थी कि मैं कहूं कि कल वाली क्लास हम नहीं लेंगे, तो मैं एक CR को मैसेज कर दूं कि कल वाली क्लास नहीं होगी, CR जो क्लास के जो ग्रुप लीडर्स बने हुए हैं वो उनको मैसेज कर दें, और वो ग्रुप लीडर्स हर ग्रुप के मेंबर्स को मैसेज कर दें। थोड़ी देर में क्या होगा कि वो मैसेज पूरी क्लास में सिंक हो चुका होगा, सिंक्रोनाइज हो चुका होगा कि कल वाली क्लास नहीं होगी। तो ये आपके पास
एक प्रोसीजर है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का, कि जो आपके पास डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है वो अपनी राउटिंग टेबल जो है वो आप किस तरीके से आप इसको जो है बिल्ड करते हैं। तो इसके बाद जो आपके पास अभी अपनी बात की थी कि जो आपके पास नंबर वन है, ठीक है, उसमें आपके पास क्या चीज आती है, रिप आती है, रिप। और जो आपके पास जो दूसरा आईजीपी जो आपका आईजीआरपी है, ये दोनों के दोनों आपकी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, दोनों के दोनों ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। और ये दोनों प्रोटोकॉल जो है, ये जो आपका रिप है, ये नंबर ऑफ हाफ काउंट्स को यूज करता है कि कितने नंबर ऑफ राउटर्स, अगर एक लिंक में 20 है एक में 10 है तो ये 10 वाले को प्रेफर करेगा, ये 20 वाले को, बिल्कुल चाहे 20 की बैंडविड्थ 30 टेराबाइट्स हो, उसकी 1 मेगाबाइट हो, बट इट विल काउंट ऑनली नंबर ऑफ राउटर्स, जिस लिंक में नंबर ऑफ राउटर्स कम होंगी ये उस लिंक को प्रेफर करेगा। जो आपके पास इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, वो बैंडविड्थ को भी कैलकुलेट करता है, वो लोड को भी कैलकुलेट करता है, वो डिले को भी कैलकुलेट करता है, उस लिंक पे कितना लोड है वो भी कैलकुलेट करेगा, और वो लिंक कितना रिलायबल है वो भी काउंट करेगा, और उन तमाम को फाइंड करके तमाम को सम अप करेगा और एक मीट्रिक कैलकुलेट करेगा। वो जो मीट्रिक होगा, ठीक है, वो जो आपका मीट्रिक है, वो आपका क्राइटेरिया है, उस मीट्रिक को, जिसका वो मीट्रिक कम होगा उसको हम कहते हैं कास्ट। जिस लिंक की कास्ट कम होगी वो पैकेट अपना वहां सेंड करेगा, वो उसको प्रेफर करेगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि राउटिंग क्या होती है, फिर आपके राउटिंग की टाइप्स देखी कि आपकी स्टैटिक राउटिंग क्या है, आपकी डिफॉल्ट राउटिंग क्या है, आपकी डायनामिक राउटिंग क्या है, ठीक है। फिर हमने राउटिंग, फिर हमने इन तीनों टाइप्स को देखते हुए हमने ये देखा कि आपके स्टैटिक राउट्स किस तरह डिफाइन होते हैं, ठीक है, और आपके डिफॉल्ट राउट किस तरह डिफाइन होता है। डायनामिक राउटिंग को हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अपनी क्लास में, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। फिर हमने ये देखा कि राउटिंग रिप का मीट्रिक क्या है और राउटिंग आईजीआरपी का मीट्रिक क्या है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग क्या होती है, एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग क्या होती है, आईजीपी और एजीपी में डिफरेंस क्या होता है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग की हमने एग्जांपल्स देखी, एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल की हमने एग्जांपल्स देखी। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो हम अपने स्टार्ट करेंगे राउटिंग लूप से, और फिर आपके पास जो डायनेमिक राउटिंग क्या होती है, वो किस तरह परफॉर्म की जाती है, उसकी कमांड्स क्या हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।